नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां भाजपा की जीत के बाद करहल में एक युवक ने नौकरी न लग पाने की वजह से अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को जलाकर वीडियो वायरल किया। वायरल वीडियो में युवक ने कहा कि योगी सरकार ने नौकरियां नहीं निकाली थी, उम्मीद थी कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, उस जैसे रोजगार की नौकरी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 5 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे थे, जो योगी बाबा की सरकार में नहीं निकली। आने वाले 5 साल में उम्मीद थी कि अखिलेश की सरकार आएगी, लेकिन नहीं हुआ। उम्मीद जो थी वो डूब चुकी। अब योगी बाबा ने पिछले 5 सालों में नहीं निकाली और आने वाले 5 सालों में भी नहीं निकाली। उसके बाद हमारी एज ओवर हो जाएगी, मैं कोई भी जॉब नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो आपने किस किस कक्षा के जो कागज़ है उसमें आग लगाई? हमने हाई स्कूल मार्कशीट सनद और इंटर की मार्कशीट जला दी। खबर देवरिया से है, जहां के परसिया मिस्र में रहने वाली राजकुमारी की शादी 18 साल पहले हुई थी, जिसका पति उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करता था। वही राजकुमारी ने बताया, मेरे पति किसी और औरत से संबंध बनाकर उसे गांव में रखा हुआ है, जब भी अपना हक मांगती हूं तो वो मुझे मारता पीटता है और भगा देता है। बता दें, इसकी सूचना राजकुमारी ने पुलिस को भी दी, पर पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। या मामला जो अरविंद जी है, बहुत बदतमीज किस्म का आदमी है जी। एक इसकी औरत है, उस औरत का एक लड़का है जी। जी लड़का है और लड़के के बाद वो उस औरत को छोड़ दिया है। उस औरत को प्रताड़ित करता रहता है। चाचा जी हमारे प्रधान थे, कई बार उसको समझाया गया, समझाने पर समझ नहीं रहा है और एक बाहरी औरत को ला के ग्राम सभा में हमारे रखा हुआ है। इसके लिए बहुत बेइज्जती की बात है कि हमारे ग्राम सभा की बेइज्जती है। गाँव वाले क्या कर रहे हैं? गाँव वाले उसको भगाना चाहते हैं, वो हरामी मान नहीं रहा है अरविंद। अरविंद बहुत बदतमीज लड़का आदमी है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उस औरत को न्याय हो जाए। उसका एक लड़का है, उसके लिए चाहती तो आगे यहाँ रह रही है। 25 साल हो गया उसकी शादी को, 25-20 साल हो गया वो हमारे गांव में रह रही है। राजकुमारी का मैं ससुर, चचेरा ससुर हूँ और राजकुमारी के साथ इसका पति बहुत अन्याय कर रहा है। वो पेशेवर किस्म का व्यक्ति है, कम से कम 3 शादियाँ इसके पहले भी हुई हैं, छोड़ दिया है, फिर इस समय अहिरौली के पारस की बहू को ले आकर के यह रखा है और इनको रोज प्रतिदिन आए दिन गाली भी देता है और रास्ता जा पकड़ के जाती है तो मारने के लिए भी दौड़ाता है। और इसके साथ इसका एक लड़का है, वो उत्तराखंड पड़ता है, ये बेचारी एक डॉक्टर के यहाँ रह करके 2 पैसा कमाती है और उसी से अपना खर्च जीविका चलाती है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग पूरे गांव के लोग चाहते हैं इसको न्याय मिले, इसको न्याय मिले, नहीं तो यह बहुत सही औरत है, यह सही औरत है, इसके साथ जो है न्याय हो रहा है, इसको न्याय मिलना चाहिए। खबर एटा से है, जहां लगातार मिल रहे भ्रूण चिंता का विषय बन चुका है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही शांतिनगर मोहल्ले में एक मासूम के शव को कुत्तों ने नोचते हुए छत कर दिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस मासूम के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं आज फिर से एक बच्चे का भ्रूण मिलने से लोग परेशान है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है जो लोग भ्रूण और मासूमों को कूड़े के ढेरों में फेंक जाते हैं। खबर एटा से है, जहां मितौलिया गांव के पास पेट्रोल पंप पर चाय बनाकर युवक सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें, धमाका इतना तेज था कि कमरे की दीवार भी गिर गई। धमाके के दौरान एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। केस ऐसा है सर, क्या ना, मितौलिया पेट्रोल पंप पे आग लग गई, जो सेल्समैन है पुष्पेंद्र सोलंकी, और कमरे में चाय बनाने गई थी, अचानक से गैस में आग लगी, उसके बाद पूरा कमरा ब्लास्ट हुआ है और तो काफ़ी उनका सर बदन जो है पूरा जला हुआ है, उनका काफ़ी बुरी तरीके से। ये आग कैसे लगी ये कुछ बता सकते हैं आप? वो जो भी उनसे मैंने उनसे पूछा, उनसे जानकारी मिली है कि चाय बनाने गए थे, गैस में आग लगी है। खबर एटा से है, जहां खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 साल के बच्चे सहित लगभग 5 से 6 लोग हादसे का शिकार हो गए। परिजनों ने सूचना
पुलिस को दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने झुलसे हुए लोगों को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया। ये कैसा हादसा हुआ? वो सर सिलेंडर फट गया सर। कितने लोग घायल हैं उसमें? सर करीब 18-19 घायल हैं, लेकिन अभी 7-8 तो ज़्यादा ही घायल हैं, लेकिन 18-19 वैसे घायल हैं तो, लेकिन वो भी आने वाले होंगे हो सकते हैं। ये सिलेंडर कैसे फटा? सर वो खाना बनाते थे। रायबरेली में एक वायरल वीडियो से सनसनी मच गई है। वीडियो के बारे में बताया गया है कि पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा कराया जा रहा था। हालांकि ये पूरा मामला कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तत्परता से जुड़ा है। ये मामला गुरबख्शगंज थाना इलाके के अटोरा चौकी के पास का है। दरअसल खड़ंजा लग जाने से शुक्ला परिवार का पानी रुक गया था, जिसके बाद मिश्रा परिवार ने इसका विरोध किया। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया है। सोशल मीडिया पे एक कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि कुछ पुलिस के कर्मी जो है वो एक उनके वो खड़े हुए हैं और उनके सामने एक नाली खोदी जा रही है। उस वीडियो के बारे में ये भी बताया गया कि ये पुलिस खुद ही खड़ा होकर ये कब्जा करा रही है। पुलिस के संज्ञान आने पर इसमें हम लोगों ने जाँच कराई गई तो ये पता चला कि ये अटोरा बुज़ुर्ग थाना गुरबख्शगंज का वीडियो है, जिसमें दो परिवारों के बीच जो है वो नाली में पानी बहने का विवाद था और जिसमें से एक पक्ष ये खोद के दिखा रहा है कि यहाँ पर नाली है, उसी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। खबर एटा से है, जहां एक रोडवेज बस चालक का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला। बता दें शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में लगी है। कहाँ पर लगाई है? कब की घटना है? सुबह की। क्या क्या करते हैं ये? रोडवेज में चालक हैं। रोडवेज में चालक थे। क्या बजे लगाई फांसी उन्होंने? ये लगाई है रात में 2 बजे के बाद। 2 बजे के उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।